इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चुनाव धमाका में अगली ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली हाईकोर्ट से। चुनावी रैलीज में कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया। हाईकोर्ट ने चुनाव के दौरान रैलीज में मास्क पहनने पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने मास्क को लेकर केंद्र और आयोग को अपना रुख साफ करने को कहा। हाईकोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान मास्क के इस्तेमाल पर जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। हाईकोर्ट ने चुनावी रैलियों में मास्क को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। ना तो पॉलिटिकल पार्टी और ना ही उनके रैली में आ रहे लोग सावधानी बरत रहे हैं। पवन नारा ने बंगाल में भांगुर में अब्बास सिद्दीकी के भाई नौशाद सिद्दीकी की रैली में आए लोगों से जब बात की तो उन्हें क्या जानकारी मिली, देखिए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट में। पूरे देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन नेताओं की रैलियों में कोरोना का लेकर कोई हिदायत आपको शायद ही नजर आए। अगर आप मंच पे देखेंगे तो मंच पर शायद ही कोई नेता आपको मास्क लगाए दिखाई दे। जब नेता ने मास्क नहीं लगाया तो जनता क्यों लगाएगी? दादा दादा मास्क कोई क्यों नहीं लगा रहा है? कोरोना है? नहीं, कोरोना नहीं है। नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मास्क नहीं लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। मास्क क्यों नहीं लगाया है? नहीं लगाना चाहिए। कोरोना नहीं है? नहीं है। आसपास सब स्वस्थ हैं? अब ठीक है। कोरोना है कि नहीं है या मास्क लगाना चाहिए? मास्क कोरोना है तो नहीं है तो क्या करें? तो यहाँ जिन भी लोगों से आप बात करेंगे उन्हें लगता है कि कोरोना यहाँ नहीं है, मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक आपको नजर आएगी शायद ही कोई आपको मास्क लगाए हुए दिखाई दे। दादा ये बड़ा अच्छा है, मास्क क्यों नहीं लगाते हैं? नहीं जरूरत है। अरे वाह, आपने लगाया है तो ये पानी बेचने वाले भैया है, आपने मास्क लगाया, बाकी ने नहीं लगाया, क्यों? मेरा सेफ्टी मेरा है। ये कह रहे मेरा सेफ्टी है, भीड़ में आ रहे हैं, पानी बेच रहे हैं तो इन्होंने मास्क लगाया है, बाकी किसी ने मास्क नहीं लगाया। मास्क लगाने की जरूरत महसूस नहीं होती? नहीं होती। क्यों? टीएमसी साहब कर रही है, टीएमसी तो भारी महफिल में कर रही है, उसका तो मास्क नहीं लगा रहे हैं। टीएमसी बीजेपी सब की बात कर रहे हैं हम, सभी नहीं लगा रहे। नहीं लगा रही है, यहाँ कोरोना नहीं है। कोरोना नहीं है। तो बंगाल में चौथे दौर के प्रचार का आखिरी दिन और सबसे बड़ी लड़ाई मुस्लिम वोटों की। एक ओर ममता मुस्लिमों के समर्थन का दावा कर रही हैं, दूसरी ओर अब्बास सिद्दीकी की आईएसएफ भी ममता के वोट बैंक में सेंधमारी कर रही है। पहली बार चुनाव लड़ रही आईएसएफ ने बंगाल के भांगुड़ में अब्बास सिद्दीकी के भाई नौशाद को उतारा है। पवन नारा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम बांगड़ विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ 70% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और ये वो विधानसभा सीट है जब 2011 में पश्चिम बंगाल में सत्ता बदली तो भी यहाँ के मतदाताओं ने सीपीआईएम को वोट दिया और उसके बाद सीपीआई के कैंडिडेट तृणमूल में शामिल हुए, तब जाकर यहाँ तृणमूल जीत पाई थी। लेकिन अब की बार संयुक्त मोर्चा की तरफ से पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के भाई नौशाद सिद्दीकी यहां से उम्मीदवार है और ये वो सीट है जहां मुस्लिम मतदाता बहुल होने के बावजूद मुकाबला बेहद कड़ा होता है। देखना होगा कि पीरजादा का प्रभाव यहां कितना काम करता है। फिलहाल यहां मैदान में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और सब पीरजादा की बात कर रहे हैं, लेकिन पीरजादा का ये पहला चुनाव है और ये सीट बेहद कड़े मुकाबले वाली सीट मानी जा रही है। देखना होगा कि यहाँ मुसलमान तृणमूल का साथ देते हैं या नौशाद सिद्दीकी या कहें कि आईएसएफ का साथ देते हैं। अब्बास सिद्दीकी के भाई नौशाद ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बात की है। नौशाद ने कहा कि ममता नहीं उनके पार्टी मोदी को रोकेगी। नौशाद सिद्दीकी ने कहा कि मुसलमान वोट किसी के बाप का नहीं है। उनसे बात की पवन नारा ने। इस वक्त हम बांगर विधानसभा सीट में है, ये कोलकाता से लगती हुई है, दक्षिण 24 परगना में आती है और यहाँ अब्बास सिद्दीकी के भाई नौशाद सिद्दीकी संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार हैं जो इस वक्त हमारे साथ है। नौशाद जी, इस चुनाव में मुस्लिम मतदाता किसके साथ, आपको लग रहा है कि मुस्लिमों का साथ आपको मिलेगा?
देखिए सिर्फ मुस्लिम का बात नहीं, इस चुनाव में मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन जो भी है बंगाल का जो अत्याचारित निपीड़ित आदमी है सभी संयुक्त मोर्चा के साथ रहेगा। मुसलमान नहीं है यहाँ पे, 70% के आसपास मुसलमान है, सिर्फ मुसलमान नहीं है यहाँ पे, हर धर्म का आदमी मुझे स्वागत कर रहे हैं। मुसलमान का सवाल इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी कह रही है कि ISF मुसलमानों के वोट काट रहा है, एक मुश्त ममता बनर्जी को ही वोट दे, TMC को ही वोट दे, ऐसी अपील ममता बनर्जी मंच से कर रही है। देखिए उन्होंने कहा क्या बोल रहे हैं, उनका एक दो साल का पहले वाला वीडियो देखिए और दो महीने का पहला वाला बैक वाला वीडियो देखिए, डिफरेंस बहुत फर्क रहा है, क्योंकि वो कब क्या बोलते हैं उसे अभी पता नहीं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनका हालत अभी बंगाल में खराब होने जा रहा है, वो सत्ता में नहीं आ सकेगा, इसीलिए उनका अभी जो बोल रहे हैं अभी उनका मनगढ़ा बात बोल रहा है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होगा। मुसलमान वोट या दलित वोट या हिंदू वोट किसी का बाप का नहीं है, वो अपनी तरफ से आएगा एवं इंडिपेंडेंट है, वो जिसके चाहे उसका वोट देगा। लेकिन आप पर आरोप लगते हैं कि आप मुस्लिम वोटों को विभाजित कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं। देखिए कौन क्या आरोप लगा रहा है, इसी को देखकर हम लोग राजनीति में ना आए, ये बात नहीं है, हम लोग राजनीति में आना चाहेंगे, आया है कांटेस्ट कर रहे हैं, जीत के हम लोग विधानसभा में जाएंगे, कोई क्या बोल रहा है उसमें हम लोग का दिक्कत नहीं है। कितनी सीट का दावा है? देखिए हम लोग संयुक्त मोर्चा के तरफ से हम लोग सत्ता में आएंगे। एक सवाल ये कि मुसलमान मोदी को रोकने के लिए वोट कर रहा है, हम जो बात कर रहे हैं, क्या आप मोदी को रोक पाएंगे या ममता रोक पाएंगे? देखिए हम लोग ही मोदी को रोकेंगे, जहां लड़ाई हम लोग लड़े हैं मोदी के खिलाफ, संयुक्त मोर्चा ही उसको रोकेंगे, तृणमूल कोई रोक नहीं पाएगा। तो क्या आपकी सबसे बड़ी बात ये है कि आप मोदी के खिलाफ और मोदी को रोक सकते हैं? बिल्कुल हम लोग मोदी के खिलाफ है, सिर्फ मोदी के नहीं, हम लोग तृणमूल के भी खिलाफ है, हम लोग चाहते हैं बंगाल में ऐसे सरकार बने जहाँ पे हिंदू मुसलमान की भाईचारा हो, जहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो, काम की बात हो, रोजी रोटी की बात हो। बंगाल के बांगुड़ का मूड आपने देखा, अब आपको दिखाते हैं कोलकाता का ओपिनियन। चौथे दौर के चुनाव से पहले मनीष भट्टाचार्य कोलकाता के फूल बाजार पहुंचे, देखिए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के चुनाव में दो ही फूलों की चर्चा है, एक कमल का फूल और एक जोड़ा फूल। इन दोनों में से कौन सा फूल पश्चिम बंगाल में खिलेगा ये यहाँ का वोटर बता सकता है। हम इस वक्त फूल मंडी में मौजूद हैं, इसलिए फूलों का समीकरण हमने आपको बताया, लेकिन लोग क्या कहना चाहते हैं हम उनसे जानते हैं। कमल का फूल और जोड़ा फूल, यही दो पार्टियों का इस समय जोड़ा चल रहा है बंगाल में, खिलेगा? वो बंद कैसे बोलेगा बाबू, 100% कमल खिलेगा। जोड़ा फूल का क्या होगा? जोड़ा फूल चला जाएगा, बहुत घोटाला किया है जोड़ा फूल। अच्छा, दीदी या दादा? दादू पे नरेंद्र मोदी। आप यहीं के कोलकाता के? हम यहीं के रहने वाले हैं। आप बताइए क्या लग रहा है माहौल, चुनाव का माहौल क्या चल रहा है? कमल इसका पलड़ा भारी है, मतलब के क्या बताएगा, बोलिए ये कमल है। आप बताइए दादा किसका पलड़ा भारी? दीदी आएगा फिर। दीदी आएगा। अच्छा, के लिए आपका विशाल और इस एक्सक्लूसिव तस्वीर के लिए भी। और आप फटाफट अंदाज में देख लेते हैं चुनाव से जुड़े हुए 50 बड़ी खबरें हमारे खास शो चुनाव 50 में। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया TV YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया TV के साथ।